आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अक्सर हम सेब शॉप में काम करते हैं और सेब शॉप की जो हमारी इनकम आती है उसको लेकर के हम कभी ना कभी अपने मन में सवाल करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं या लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर, ये इसमें टैक्स कितना कटता है या GST नंबर लेना ज़रूरी है या नहीं है, GST के दायरे में मैं हूँ या नहीं हूँ। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं GST को लेकर के हमारे मन में कहीं ना कहीं घुसते हैं और कभी न कभी आशंकित करते हैं कि क्या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इकट्ठा GST मेरा कट जाएगा या एक बाइक मेरे को GST लेने के लिए फ़ोन आ जाएगा हेड ऑफिस से। तो GST और डायरेक्ट सेलर, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और हम या आप जो डायरेक्ट सेलर हैं उसकी क्या भूमिका है, ये GST नंबर कितना ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कब ज़रूरी होता है, क्या हर व्यक्ति को GST नंबर लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या आप GST नंबर के दायरे में आते हैं या GST के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, इन सब को लेकर के आज मैं, इन सभी तरह के सवालों को लेकर के मैं आज इस ट्यूटोरियल में आप सभी के बीच में प्रेजेंट हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं GST और डायरेक्ट सेलर को लेकर के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब को। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सेब शॉप ने अब सभी तरह के जो प्रोडक्ट हैं, सभी तरह के जो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कॉम्बो पैक के हों, चाहे वो बाई वन गेट वन के प्रोडक्ट हों या सिंपली ग्रॉसरी के सिंगल प्रोडक्ट हों, वो सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके ट्यूटोरियल पे, आपके वेबसाइट पे www.sapsofindia.com के वेब पोर्टल पे वो आ चुके हैं। आपको अगर देखना है उसकी जो MRP है, अगर उसको देखना है तो आप बिना लॉगिन ID पासवर्ड डाले ही उसको देख सकते हैं। और अगर आपको उसका SSP प्राइस देखना है तो आप www.sapsofindia.com पे जा करके अपनी लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके आप उसे चेक कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए या ज़्यादा सहूलियत के लिए आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज शुरू करते हैं GST और डायरेक्ट सेलर का जो सवाल होता है कि GST नंबर और डायरेक्ट सेलर, ये दोनों कितने एक दूसरे को लेकर के क्या सवाल होते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल होता है, मेरे भी मन में था, आपके भी मन में होगा या हो सकता है किसी ने आपसे पूछा होगा, क्या सर मुझे GST नंबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन होती है, एक कि क्या वह व्यक्ति नया सेब शॉप में ज्वाइन है या किसी डायरेक्ट सेलर कंपनी में ज्वाइन है। अगर किसी नए डायरेक्ट सेलर कंपनी में, किसी डायरेक्ट सेलर कंपनी में नया ज्वाइनर है या सेब शॉप में वो व्यक्ति नया अभी ज्वाइनर है, तो आप ऐसे देखेंगे तो उस व्यक्ति का अगर किसी भी प्रकार की इनकम से अगर कोई और दूसरी प्रकार की इनकम नहीं है, किसी भी प्रकार से वो कहीं से अर्निंग नहीं कर रहा है, केवल सेब शॉप का जो रेमुनेशन है, केवल जो सेब शॉप का पे आउट है वही उसकी अगर असली इनकम है, तो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से, उसे GST नंबर की तत्काल में ज़रूरत नहीं है। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि GST नंबर लेने के लिए, जब GST 1 जुलाई 2017 को ये भारत सरकार ने लागू किया था, आप सिंपली GST आप देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज सर्विस टैक्स होता है और इसे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्हें ही दिया जाता है। GST नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, पहले जो VAT होता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस होते थे, वही अब उसको बदल करके GST कर दिया गया है, जिसमें ढेर सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। और ये GST नंबर लेना ज़रूरी होता है, एक तो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, दूसरा अगर हमारा जो CA है, अगर हमारा CA अगर वो हमें प्रीफर कर देता है, सजेस्ट कर देता है कि आपको GST नंबर की ज़रूरत है, तो आपको GST नंबर लेना ज़रूरी होता है। या अगर आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉय हैं, यानी कि किसी कंपनी में अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो अगर वो आपका एम्प्लॉयर जो है, अगर वो बोल देता है कि आपको GST नंबर की ज़रूरत है, बिना GST लिए नंबर लिए मैं आपको अपने यहाँ हायर नहीं करूँगा, तो आपको GST नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं कहता है कि नहीं, GST नंबर ज़रूरी नहीं है, तो आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक दायरा बनाया गया है, एक दायरा फाइनेंशियल दायरा है कि 20 लाख अगर आपका किसी भी प्रकार से, अन्य प्रकार का या किसी भी प्रकार से, अगर आपका जो इनकम का जो सोर्स है अगर 20 लाख या से ऊपर अधिक है, तो आपको GST नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है। और यह GST नंबर लेना आपको मैंडेटरी आपका एम्प्लॉयर भी कर सकता है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, और भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है या इनका निकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वह आपको नोटिस के माध्यम से भी आपको बता सकता है कि आप 20 लाख से ऊपर की अर्निंग कर रहे हैं सालाना में,
आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत है या 40 लाख से ज्यादा की इनकम है, आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि जीएसटी नंबर लेना कब जरूरी है, किसके माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, और किस इनकम स्लैब में अगर आप हैं तो जीएसटी नंबर की जरूरत है, और किस इनकम स्लैब में आप नहीं हैं तो जीएसटी नंबर लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन होती है कि आप नए हैं सेफ शॉप में, फ्रेशर लीडर हैं, या किसी भी प्रकार से आपकी 20 लाख से कम की इनकम है, तो यू डोंट वरी, यू डोंट नीड टू जीएसटी नंबर, ओनली यू नीड टू गिव वर्क, अपना एफर्ट लगाइए, काम करिए, अपने रेवेन्यूशन को, अपने इनकम को बढ़ाइए। 20 लाख तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए या मेरे पास जीएसटी नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपकी वार्षिक आय किसी भी प्रकार से 20 लाख से कम है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज आपका ये ट्यूटोरियल जो है कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे, अपने टीम के साथ शेयर करेंगे और आने वाले किसी भी भविष्य में असुविधा से बचेंगे। तो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा होगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो।